बिहार के कई जिलों में मौसम का बदलाव साफ तौर पर देखने को मिला। सोमवार की शाम नालंदा में मौसम ने करवट ले लिया, जहां तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि थोड़ी देर के लिए लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है। इस दौरान सड़कों पर चलने वाले वाहन के चालकों को दिन में ही लाइट जलाकर चलने पर मजबूर हुए। इस दौरान लोगों ने बताया कि एक और हम लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, ऊपर से धूल भरी तेज आंधी से लोग परेशान हैं। कुछ भी हो, लोग थोड़ी देर के लिए लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है। क्या हो गया है अभी यहाँ पर का वातावरण? माहौल तो एकाएक गर्मी जो था वो एकदम ठंडा हो गया है। लोग लग रहा है कि आ हवा बहुत अच्छा ऐसा रहे गर्मी के दिन में, जिससे लोग को राहत मिले। ये तो कोरोना मार रहा है सबको, और प्रकृति के द्वारा गर्मी प्रचंड हो गया है। इसके चलते लग रहा है कि अब थोड़ा मौसम प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति का बनावट ही ऐसा है। प्रकृति किसी को अच्छा करती है, किसी को खराब करती है। अभी क्या कैसे लोग रोड पर चल रहे हैं, धूल चल रहा है? हाँ, अभी तक आया बहुत, 10 मिनट के अंदर बहुत धूल उल आ गया, जिससे लोगों को लगा कि आँख में भर गया धूल का, फिर सब उड़ने लगा। तो हवा पानी पूरा माहौल बदल गया है। अभी रोड पर तो ऐसे ही लोग कम चल रहे हैं, परेशानी है कोरोना काल में। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। मुजफ्फरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सदर अस्पताल में बने MCH को 100 बेड के कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाने में जिला प्रशासन जुट गई है। अभी फिलहाल 50 बेड COVID-19 के मरीजों के लिए बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल के MCH बिल्डिंग को 100 बेड का COVID-19 डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। कुछ दिन पहले ही सदर अस्पताल में ऑक्सीजन का उत्पादन भी शुरू हो गया है, जिसे लेकर यह फैसला लिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट से सीधे मरीजों के बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी, जिससे कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पटना में राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने बढ़ते कोरोना की रफ्तार को लेकर सरकार पर तंज कसा है। प्रेस विज्ञापन जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि असहाय असमर्थ कभी अनुभव नहीं किया जितना अब वो महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक इंसान होने के नाते चाहकर भी गुहार लगा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन मदद जरूरतमंदों की नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में फोन लगवाने जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता सर कहकर फोन काट दिया जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारी या तो CM की भी सुन नहीं रहे हैं या मुख्यमंत्री को व्यवस्था दुरुस्त करने में कोई रुचि नहीं है। इस तरीके का बयान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर दिया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश सरकार की आम लोगों की तकलीफ दूर करने की कोई मंशा नहीं है, सरकार बस विज्ञापन देकर और आंकड़ों को कम कर धूल झोंकने का फिराक में है। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ते हालात को लेकर पटना हाई कोर्ट में आज हो रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कार्यशैली पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। पटना हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच सरकार का टोटल फेल्योर सामने आ रहा है। हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के मामले में सरकार की नाकामी पर फटकार लगाई है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार में मंगलवार तक इस पर जवाब मांगा है कि बिहार में लॉकडाउन कब लगेगा और लगेगा या नहीं लगेगा। इस पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है, जिसके बाद जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा है कि टोटल फेल्योर की स्थिति है, राज्य के अंदर संक्रमण बेकाबू है और सरकार सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है। कोर्ट ने आज की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित की है। उच्च न्यायालय ने एडवोकेट जनरल से कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर हर मोर्चे पर फेल हो रही है, तो सरकार बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला क्यों नहीं ले रही है, राज्य सरकार कल मंगलवार तक ये बताए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए यहाँ तक कह डाला है कि ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लगाने का आदेश कोर्ट को देना पड़े। औरंगाबाद प्रखंड के गांव में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। अब मरीजों के मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन द्वारा शनिवार को दूसरी पंचायत के मुंजहर गाँव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, गाँव सील कर दिया गया है, साथ ही गांव में पुलिस की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। औरंगाबाद प्रखंड के गांव में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। अब मरीजों के मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की तैयारी अब पूरी हो गई है और लगातार जैसे भी
जगह पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उसमें सख्ती से गाइडलाइंस को पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें आपको कि कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ते देख के सभी ग्रामीणों की कोविड की जांच कराई जा रही है। जांच में 22 लोग संक्रमित पाए गए। सभी संक्रमण व्यक्तियों को होम क्वारंटीन में रखा गया है, उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन ने ग्रामीणों को बाहर जाने से रोक लगा दी है।